ये हमारे पास में डब्बा और डब्बे का हवाया से हमारा साफ है। मैंने पहले इसमें चार्ज डाला था ना, ये उसी का है डब्बा, धो धा के रख लिया था। और मैं इसमें डालूंगी ये राई, एक चमचा भर के मैंने राई का डाल दिया है। और इसको राई को एक तरफ रख देंगे, कुछ मैंने इसमें से बचा ली है क्योंकि ये राई आगे भी काम आ जाएगी मेरे, मैं काजी बड़ा भी बनाती हूँ तो उसके लिए काम आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, ये जो गाजरे हैं ना इसका पीछे का ना निकाल देंगे और हाथ भी ना आपके काले हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये ऐसी गाजर है तो इसी से काजी बनती है, मार्केट में बहुत इजी मिल जाती है, छोटे छोटे इसके पीस करके मैं डाल दूंगी। और ऐसे छोटे छोटे पीसों को काट काट के हम इसके ऐसे स्लाइस कर लेंगे और इसको ना मैं डाल देती हूँ तो बहुत अच्छे से काजी बनती है इसकी। जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगी, जो नहीं बनाते हैं वो जरूर बनाएंगे, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इन दिनों में ऐसी चीजें खा लोगे तो साल भर आप परेशान नहीं होगे। होली के आसपास ये चीजें जरूर खानी चाहिए, होली पे, होली के बाद भी तक चलती है ना गाजरें, तो काजी बना लो, थोड़े दिन में बन जाती है, हफ्ते में तैयार हो जाती है। एक हफ्ता इसको रख दोगे बिल्कुल खट्टी हो जाएगी और इसमें कुछ ज्यादा मसाले भी नहीं डलते हैं और सारी चीजें पेट के लिए सारी अच्छी है। काली मिर्च भी, काला नमक भी, सेंधा नमक डालते हैं हम लोग, सेंधा नमक खाते हैं तो मैं सेंधा ही नमक डालती हूँ इसमें। तो ये अब हमने इसमें राई डाल दी है और इसमें डालेंगे हम ये काला नमक एक चम्मच और ये आधी चम्मच, डेढ़ चम्मच मैंने इसमें ये काला नमक डाला है। और ये जो सेंधा नमक है इसको भी मैं डाल दूंगी आधा चम्मच, बस इतना सा ही मैं सेंधा नमक डालूंगी इसके अंदर। आप ये तो नमक तो अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हो क्योंकि इसमें कम बढ़ती का कोई नहीं है। और अगर आप बनाते हो, और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, और ये पाइया हमारी एक पाव 250 ग्राम है, ये काली गाजर इसमें मैं डाल दूंगी, ये गाजर है। सारी गाजरों को हम इसमें डाल देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें पानी, और मैंने कईयों को देखा है उबाल के पानी ठंडा करके डालो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सादा जो सिंपल आप पानी पीते हो वही पानी इसमें डालते हो। मेरे गाजरों के हाथ हो रहे हैं तो ये देखो हमारी ये काजी बनकर तैयार। इसको पूरा फुल भर दूंगी मैं, और सुबह का टाइम है तो मैं इसको अब धूप में रख दूंगी। ये देखो इसको, ये वाला चमचा है जो मैंने लिया था, इसको ऐसे डाल के इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और बस हमारी काजी हो गई तैयार। और अब इस डब्बे को मैं धूप में रख दूंगी, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये 2 दिन में हमारी काजी बनके हो गई है तैयार और मैं आपको चला के दिखाती हूँ इसको, हम हमारे होली तक बन जाती है कई बार। और ये मैंने चला के मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो इसका कलर देखो, बिल्कुल मार्केट जैसा है ना, जैसे मार्केट में कांजी मिलती है उसी तरह से। और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है काले नमक की, तो आप भी इसको घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं और होली से पहले इसको बना के रख लें, 4 दिन में तैयार हो जाती है। और इसका मैं ढक्कन बंद करके रख दूंगी, बच्चे पियेंगे। तो ऐसे डब्बे मिलते हैं और अभी मैं बड़ा कांजी बड़ा भी बनाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। हम ना आज ये वाला जो हमने कांजी बनाई है, इस कांजी को हम पियेंगे, तो आपको मैं दिखाती हूँ हमारी कांजी। और इसको मैं डालूंगी चला के, पीनी है ना तो इसको चलाना पड़ता है। तो ये कांजी को ना, अगर आप चाहते हो इसमें बूंदी डाल सकते हो,
इसमें मैं बूंदी के बिना ही इसको मैं पीऊंगी। ये कांजी बिल्कुल मार्केट जैसी बन जाती है अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो। मैं इसको और इसकी जो गाजर आ जाती है ना उनको भी आप साथ साथ खा सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि गाजर फेंकनी है, खा सकते हो इनको, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में अगर होली पे आप इसको एक महीने पी लोगे ना आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। जैसे कब्जी होती है, आपको पेट से दर्द होता है या गैस बनती है, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल आपका पेट ऐसे नॉर्मल हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया। तो हम पियेंगे कांजी, तो इसको मैं रख देती हूँ इधर। और ये कांजी हमारी मस्त बनी है, तो ये हम चले कांजी लेके पीने के लिए, और मिलते हैं आपको एक वीडियो में। बहुत टेस्टी होगी है, इसमें थोड़ी बूंदी और डलेगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने भी ऐसे बनानी है तो इसको होली से पहले आप बना के रख लें और होली पे इसको एंजॉय करें गुजिया के साथ और पकौड़ों के साथ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और अब हम जा रहे हैं तो इसे पी के, जब नाश्ता कर लिया मैंने और अब मैं इसको पी के निकलूंगी। मिलते हैं।